क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। क्रिकेट के फैंस अपनी टीम को अलग अलग अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं। इसी बीच सिरसा में भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा फैन है जिसने अनोखे अंदाज में टीम का मनोबल बढ़ाया है। सिरसा के सज्जन सोनी क्रिकेट खेल के खासे दीवाने हैं। वे हर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए सोने चांदी की ट्रॉफी बनाते हैं। इस बार उन्होंने 840 मिलीग्राम सोने चांदी की ट्रॉफी बनाई है। वे हर बार छोटे साइज में सोने चांदी की ट्रॉफी बनाते हैं। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वे इस कप को किसी भी खिलाड़ी को गिफ्ट कर देते हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए क्रिकेट फैन सज्जन सोनी ने बताया कि वे साल 1987 से हर वर्ल्ड कप में सोने चांदी से बनी ट्रॉफी को तैयार करते हैं। इस बार भी वर्ल्ड कप के आगाज से पहले उन्होंने कप को तैयार किया है। इस बार जो ट्रॉफी उन्होंने तैयार की है वो 840 मिलीग्राम की है, जिसमें 300 मिलीग्राम गोल्ड और 540 मिलीग्राम चांदी लगी हुई है। इस ट्रॉफी को बनाने में कुल 90 मिनट का समय लगा है। संजय सोनी ने बताया कि टीम इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए वे ये ट्रॉफी को बनाते हैं। वे इस ट्रॉफी को विजेता टीम को भेंट करना चाहते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ क्रिकेट के ऐसे फैन हैं जो पिछले कई वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान जब जब भी वर्ल्ड कप हुआ उनके छोटे कप सोने और चांदी के उन्होंने बनाए हैं। और हम आपको मिलवाते हैं सज्जन सोनी जी से, जो पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप बना रहे हैं और जब जब भी वर्ल्ड कप होता है, भले ही जिस देश में हो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ये तब तब वर्ल्ड कप बनाते हैं और इस वर्ल्ड कप को प्रमोट करते हैं। इस बार भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है तो जहां अलग अलग फैंस जो है अपने अपने तरीके से चीयर कर रहे हैं, तो वहीं सज्जन सोनी हर वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी उन्होंने वर्ल्ड कप तैयार किया है। पहले हम आपको ये कप दिखाते हैं, देखेंगे। छोटा सा कप ज़रूर है लेकिन इनकी हमेशा यही मंशा होती है कि जो क्रिकेट खेल प्रेमी हैं या वर्ल्ड कप है उसको चीयर किया जाए, तो इस तरह से कप बनाते हैं। सोनी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, बहुत आभार आपका। सोनी जी कितने वर्ल्ड कप हो गए हैं, आपने ये कप कौन से वर्ल्ड कप से आपने कप बनाना शुरू किया और क्यों मनाते हैं आप? 1987 से लेकर 2023 तक 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप आता है, उसकी सबसे सूक्ष्म जो ट्रॉफी होती है वो मैं बनाता हूँ। और ये जुनून जो आया 1983 की, जब हम पहली बार इस विश्व विजेता बने, उसके बाद से ये जुनून चला और मेरा ये शौक जो है उसके खेल के प्रति मुझे इस चीज़ में लेके आया। और जो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि इस ट्रॉफी को बना के मैं उस टीम को उत्साह दूँ और हमारे देश की जीत में अहम भूमिका निभाऊं। तो सबसे पहले आपने कितने साइज़ का कप बनाया और अब इस बार जो वर्ल्ड कप बनाया उसमें क्या खासियत है? सबसे जो सूक्ष्म बनाया था मैंने 270 मिलीग्राम का, जो सबसे सूक्ष्म था। उसमें सेम जो डीटो कॉपी, उसके अंदर जो हमारी जो ट्रॉफी होती है उसके सेम जो पार्ट्स थे उसमें हमने डाले, क्योंकि जब तक हम उसकी डीटो कॉपी नहीं बनाएंगे वो मान्यता नहीं है। और वही कला है कि आप उसमें सूक्ष्म में भी वो चीज़ आप देश को। और जो इस बार मैंने बनाया थोड़ा सा हटके बनाया है, 10 mm का है, 840 मिलीग्राम का है, 300 मिलीग्राम इसमें गोल्ड लगा है और 540 मिलीग्राम इसमें सिल्वर यूज़ हुआ है, जो कि 90 मिनट में हमने तैयार किया है इसको। तो अक्सर इतना ही वक्त लगता है जब कप तैयार करते हैं आप, या जब पहले आपने बनाया तो ज़्यादा वक्त लगा और अब क्या एक्सपीरियंस हो गया आपको? हाँ, जब हमने इसको पहली बार इस चीज़ पे पट पे लाए हम, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद एक अभ्यास हुआ। अभ्यास के बाद हमने अपनी मिनट भी जो है वो घटानी शुरू कर दी कि ये जल्द से जल्द तैयार हो, जिससे इसमें टाइम कम लगे और लोगों तक हम जल्द से जल्द पहुँचा सकें। तो इसे क्या आपका जुनून कहें कि आप या टीम को चीयर करने के लिए इस तरह से करते हैं, और इन कप्स का करते क्या है? सबसे बड़ा ये जुनून भी कह लियो, और इसमें एक हमारी आत्मिक शांति भी मिलती है, हमें मन को एक उत्साह मिलता है। और दूसरा,
टीम तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन हम जहां जिस स्थिति में भी हम बैठे हैं, कम से कम वहां बैठ के उस मनोरंजन में हम भी शामिल हो सकते हैं। और इससे क्या है, आत्मिक शांति के अलावा भी हमारे खिलाड़ियों का जो है वो हौसला भी बढ़ता है। तो क्या अब तक जब आपने जो कप्स बनाए हैं उनका क्या किया, क्या उसको गिफ्ट कर दिए गए या सेल किए या कहीं बाहर भी उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया गया? जितने भी अभी तक मैंने बनाए, कुछ मेरे पास है, आपके पास मैंने दिखाया भी, कुछ मैं उन उत्साही खिलाड़ियों को या जो हमारे समाज में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, ये एक सूक्ष्म अगर हम छोटा सही लेकिन उनकी मैं समझता हूँ एक पावर में बहुत बड़ी वृद्धि करता है कि किसी ने हमें सम्मान दिया और वो भी क्रिकेट के प्रति जो इतना जुनून है उसका सबसे सूक्ष्म हम अगर उसको देंगे तो मेरे हिसाब से उसको एक ताकत मिलती है उसके काम के प्रति, और काम से जो प्यार करता है मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा आज विश्व विजेता है। तो वर्ल्ड कप बना के तो आपने टीम को, टीम इंडिया को चीयर किया, कैमरे पर किस तरह से चीयर करेंगे आप? कैमरे पर यही करूँगा कि आज भी एक मैच है, पहला मैच हमने जीता है, और मैं इस कैमरे में यही कहूँगा कि हम विश्व विजेता होंगे। और एक जो हमारी ललकार है क्रिकेट के प्रति, देश का पूरा जो उत्साह होता है, वो जीत पूरे देशवासियों को हम समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने फैंस देखे होंगे, अलग अलग तरीके से फैंस वर्ल्ड कप को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे फैन से मिला रहे हैं जिन्होंने सन 1987 से छोटे वर्ल्ड कप जो हमने दिखाया आपको, सोने चांदी के कप तैयार किए, और इनका मकसद यही है कि वो टीम को चीयर करते हैं, उत्साह करते हैं। और इनका कहना है कि जो जितने भी कप्स इन्होंने अब तक तैयार किए हैं उन कप्स को ये खिलाड़ियों को गिफ्ट कर देते हैं, इन कप्स को वो बेचते नहीं। मकसद यही है कि ये हमेशा हर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए, टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह से कप बनाते हैं। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।